बुलेटिन में सबसे पहले सियाचिन के उस जाबाज की बात जिसे आज पूरा देश सलाम कर रहा है, जो 35 फीट बर्फ के पहाड़ को सीने पर लिए जिंदगी से जंग जीत गया, लेकिन दिल्ली में सांसों के लिए अब भी संघर्ष कर रहा है। लांस नायक हनुमंथप्पा की हालत अभी भी काफी नाजुक है और उनकी सलामती की दुआएं मांगी जा रही है। मंदिर में पूजा हो रही है, मस्जिद में दुआएं मांगी जा रही हैं और स्कूल में बच्चे हाथ जोड़े खड़े हैं। ईश्वर के नाम भेजे गए अंतरात्मा के खतूत हैं, हर एक चेहरा एक चिट्ठी। सुनते हो मौला, मेरे मालिक हनुमंथप्पा को ठीक करो। हमारी दुआओं को सुन लो दाता और खड़ा कर दो उस जवान को, ताकि सियाचिन की पहाड़ियों में फिर से उगने लगे नए ख्वाब। मुंबई से लेकर गोरखपुर तक और लखनऊ से लेकर पुरी तक बालू पर बनाई गई ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, उम्मीद है जिसके भरोसे सुबह शाम में बदलती है, शाम रात में और रात फिर से सुबह में बदल जाती है। सियाचिन में जो हमारी देश की रक्षा करने वाला जवान हनुमंथप्पा था, जिसकी हालत अभी बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है, उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। दोनों कोमा में से बाहर आए और उन्होंने अपना जीवन अच्छी तरह से जी कर अपने देश के लिए और आगे अपना काम बढ़ाए, इसलिए मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ। अस्पताल में सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है जवान, लेकिन लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक दुआओं का दौर जारी है। कहाँ की तस्वीर दिखाएं, किस मंदिर की, किस गुरुद्वारे की, किस मजार की, ये सिर्फ एक फौजी की बात नहीं है, वेदना का एक ऐसा एहसास है जिसने देश में किसी को नहीं छोड़ा। पर्दे पर जवानों की कहानियां दिखाने वाले लोग भी टूट गए हैं, उनके देश के हनुमान के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है और दोनों फेफड़े निमोनिया की चपेट में है। The strength of the human spirit and how far you can actually go to survive and great for the that thank you to the Indian Army for all the great work. Yeah, that's all you can say, I think. But yeah, definitely all our best wishes to him and may he recover soon. Keep him in our prayers for sure. कि भगवान उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकें, ताकि वो हमारे वैसे ही हमारे इंस्पिरेशन का स्रोत हैं, लेकिन इस तरह के इंसान को हम नतमस्तक सलाम करते हैं, उनको उनका अभिनंदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। Every other citizen, everyone sent out a prayer and so did I. And I really wish for his speedy recovery, क्योंकि I mean, भगवान ना करे ऐसे हालात में किसी को भी गुजरना पड़े। It was truly saddening and really heartbreaking to know and hear of what happened there. सियाचिन में 6 दिनों तक भारी बर्फ के नीचे दबे रहे लांस नायक हनुमंथप्पा कोपड़ की हालत और बिगड़ रही है। डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि उनके कई अंग काम नहीं कर रहे, उनकी किडनी और लिवर ने काम करना बंद कर दिया है। हालत अब भी बेहद गंभीर है और अगले 24 घंटे उनके लिए बेहद अहम है। 12 साल के बच्चे से लेकर 92 साल का बुजुर्ग इस इंतजार में कि किसी दरवाजे से ये खबर आए कि हनुमंथप्पा फिर से तैयार है सियाचिन के लिए। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में हो रही है सिपाही के लिए महामृत्युंजय जाप। हर आंख में हनुमंथप्पा के लिए प्यार है, आशा है, उम्मीद है।